जी हाँ, यूपी में प्रशासन की सख्ती के बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला संगम नगरी प्रयागराज का है, जहां करछना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी के डीलर से 3,50,000 रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब फाइनेंस कंपनी का डीलर रुपयों से भरा बैग लेकर करछना स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने तमंचे के बल पर डीलर से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वहीं अब घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस की टीम ने सबसे पहले बैंक के आसपास के लोगों से पूछताछ की, उसके बाद पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर एसपी क्राइम सतीश चंद्र ने पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो अब घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो ये पैसे यहाँ जमा करने आए हुए थे बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में अपनी गाड़ी फोर व्हीलर से, और जैसे उतरे हैं वैसे ही बाइक सवार दो लोगों ने इनका बैग छीन के। सर इसमें क्या है? सर बस अब हम लोग मुकदमा लिख रहे हैं, बाकी हमारी टीमें सोजी की लगी हैं, हमारी टीमें लगी हैं, हम इसको वर्कआउट करेंगे। बता दें कि करछना थाना क्षेत्र के भुंडा गांव निवासी अजीत पांडे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक डीलरशिप लिए हुए हैं। मंगलवार को अजीत पांडे अपने ऑफिस से 3,50,000 रुपए लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने पहुंचे थे। जैसे ही बैंक के बाहर कार से उतरे तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने तमंचे के बल पर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात के बाद से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। बहरहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।